हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, अक्सर हम बोलते हैं कि मैंने झाड़ू लगा कर घर साफ किया, मैंने फ्रिज को बंद कर फैन निकाला, मैंने कार को धोकर साफ किया। जब कभी भी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मैंने ये काम करने के बाद ऐसा हुआ या फिर मैंने ऐसा काम करने के बाद ऐसा करा, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है उसको हम किस तरह बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद कुछ सेंटेंसेस हम समझेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपके ये स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कहाँ से यूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कोई सी फॉर्म आ सकती है, आईएनजी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और आईएनजी तो यूज होती नहीं है, आपको हमेशा पास्ट की बात करते हैं, ऐसे ऐसे काम करने के बाद ऐसा किया। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म का हमेशा यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मैंने कार धोकर साफ करी, मैंने कार धोकर साफ करी। पहले आप बोलो सब्जेक्ट यूज करना आपको, तो आई। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने पहले मैंने कार धोकर आई वॉज, इसके बाद मैंने ये काम, मैंने आई, मैंने ये वाला काम करा, मैंने कार धोया, मैंने धोया क्या धोया, मैंने आई वॉज कार। ठीक है, आई वॉज कार, इसके बाद मैंने कार धोकर साफ करी, आई वॉज कार क्लीन। यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, मैंने कार धोकर साफ करी, तो आई वॉज कार क्लीन। ठीक है, सेकंड है, मैंने झाड़ू लगाकर घर साफ करा, तो मैंने झाड़ू लगाकर घर साफ करा। मैंने झाड़ू लगाकर घर साफ करा, तो आपको सब्जेक्ट यूज करना है, तो आई, मैंने झाड़ू लगाया पहले, आई स्वेप्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना, आई स्वेप्ट हाउस क्लीन। ठीक है, मैंने झाड़ू लगाकर घर साफ करा। इसके लास्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला, तो आई पुश्ड द डोर ओपन, मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला। ठीक है, तो आई पुश्ड सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद मैंने धक्का दिया, आई पुश्ड दी किसमें दिया, डोर पर, आई पुश्ड द डोर, उसके बाद दरवाजा खोला, तो आई पुश्ड द डोर ओपन, मैंने घर साफ किया, तो आई स्वेप्ट हाउस क्लीन, मैंने धोकर कार साफ करी, तो आई वॉश्ड कार क्लीन। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा करना है कि ऐसा काम करने के बाद ऐसा काम किया, तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज करिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करिए, फिर इसके बाद आपको वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में।